नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू रामबाण कारगर नुस्खा लेकर आया हूँ। यह नुस्खा आपके पीले गंदे दांतों को मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार बना देगा। काफ़ी असरदार नुस्खा है दोस्तों, इसे काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है और काफ़ी अच्छा उन्हें रिजल्ट भी मिला है। इस नुस्खे की खासियत ये है कि इसमें जो भी चीज़ें हमने ली हैं, सारी की सारी चीज़ें नेचुरली चीज़ें हैं। वो आपको आपके घर में या फिर आपके आसपास किसी भी शॉप पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या ही नुस्खा। दोस्तों, आज के टाइम पर काफ़ी सारे लड़के और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो गुटखा, तंबाकू और धूम्रपान का ज़्यादा सेवन करने की वजह से अपने दांतों को पीला गंदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो किसी के सामने खुल के हंस भी नहीं पाते हैं और काफ़ी बार शर्मिंदा होते हैं। तो आज उन्हीं लोगों के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, वो इस नुस्खे की मदद से अपने दांतों को मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार बना सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले खाली बाउल लेना है और इस खाली बाउल में आपको यहाँ पर सबसे पहले लेना होगा दोस्तों बेकिंग पाउडर, जो कि हमारे दांतों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। बेकिंग पाउडर में ऐसे गुणों तत्व होते हैं वो जो हमारे दांतों की मैल और गंदगी को फुला देता है और इससे बड़ी आसानी से हमारे दांतों से पीलापन हट जाता है। तो आपको यहाँ पर आधा चम्मच के बराबर इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर लेना है। बेकिंग पाउडर लेकर दोस्तों आपको अगली चीज़ जो यहाँ पर लेनी होगी वो है सिंपल वाला कॉलगेट का पेस्ट। आपको इसमें एकदम सिंपल वाला कॉलगेट का पेस्ट ऐड करना है, जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आपको इतनी सी मात्रा में यहाँ पर सिंपल वाला कॉलगेट का पेस्ट ले लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जितनी मात्रा में आप यहाँ पर पेस्ट करते हो सुबह, उतनी मात्रा में आपको इसमें कॉलगेट का पेस्ट लेना है। फिर अगली चीज़ जो आपको लेनी है दोस्तों वो है आधा कटा हुआ नींबू। आपको आधा कटा हुआ नींबू लेना है इस तरीके से। फिर आपको इस आधे कटे हुए नींबू को इसमें इस तरीके से निचोड़ देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से इसमें झाग उठने लगे हैं। इसमें हमने जो बेकिंग पाउडर मिलाया था, ये इसी तरीके से हमारे दांतों के मैल को और गंदगी को फुला देता है, जिससे कि हमारे दांत काफ़ी जल्दी सफ़ेद और मोती की तरह चमकदार बनते हैं। तो आपको इस तरीके से इसे नींबू को इसमें निचोड़कर आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपको यहाँ पर 4 चम्मच के बराबर इसमें पानी ऐड करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अंदाज से पानी मिलाया है, आप जो 4 चम्मच इसमें पानी ऐड कर लें और सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लें। फिर दोस्तों आप जो अपना ब्रश लें और इस ब्रश से दोस्तों इस तरीके से इस पेस्ट को आप लेकर फिर आप जो अपने दांतों के ऊपर इस तरीके से इसे अच्छे से अप्लाई करें। काफ़ी अच्छे से आपको इसे करना है, कम से कम 7-8 मिनट तक आप इसी तरीके से आप अपने दांतों पर इसे अप्लाई करें। फिर दोस्तों इसके बाद में आप इसे गुनगुने पानी से अपने दांतों को धोकर साफ कर लें। इस उपाय को रेगुलर 3 दिन तक करने से आपके दांत काफ़ी जल्दी मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार दिखने लगेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें।